हेलो एवरीवन, कुकजीत और फैमिली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, सबको बेहद पसंद आने वाला बहुत ही कम ऑयल में बहुत ही आसानी से झटपट बनने वाला जीरा आलू की रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो में न्यू आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को और बेल घंटी के साथ प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। तो चलो दोस्तों, फटाक से करेंगे आज की रेसिपी की शुरुआत। दोस्तों, जीरा आलू बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम आलू। आलू की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हो। आलू का सबसे पहले ऊपर का छिलका होता है ना, उसको हमें हटा लेना है। दोस्तों, आलू का ऊपर का छिलका हटा के मीडियम साइज़ के पीसेस में कट कर लिया है आलू को और अच्छे से दो तीन पानी से वॉश कर लिया है और इसका जितना भी अंदर का एक्स्ट्रा पानी था ना, उसको हटा लेना है। अब ऐड करेंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच ऐड कर लेंगे धनिया जीरा पाउडर, दो चम्मच ऐड कर लेंगे रेड चिल्ली पाउडर। दोस्तों, मसालों की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अब स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे नमक। दोस्तों, आपको अगर गरम मसाला ऐड करना है तो आधा चम्मच के करीब गरम मसाला ज़रूर ऐड कर लीजिए। अब सारे मसालों को अच्छे से चम्मच की सहायता से पहले तो मिक्स कर लेंगे। आलू के अंदर मसाला मिक्स हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई को अच्छे से पहले तो गरम कर लेंगे। गरम गरम कढ़ाई के अंदर ऐड करेंगे दो चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गरम हो जाए तो ऐड करेंगे एक चम्मच जीरा। जीरा अच्छे से पक के ऊपर आ जाए तो हम ऐड कर लेंगे आलू। दोस्तों, आलू के अंदर मसाला मिक्स करके रखा था ना, वही वाले आलू मैंने ऐड कर लिया है। अब सबसे पहले आलू को हमें ऑयल के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे और ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट हो चुकी है दोस्तों, हम चेक कर लेंगे आलू पके हैं कि नहीं। अभी थोड़े से कच्चे लग रहे हैं हमारे आलू, वापस ढक के रखेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 3 मिनट हो चुकी है, वापस हम चेक कर लेंगे आलू पके हैं कि नहीं अंदर से अच्छे से। तो दोस्तों, हमारे आलू एकदम अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम 2 मिनट और पका लेंगे। अब बिना ढक्कन के पकाना है दोस्तों, अब हमें ढक्कन बिल्कुल भी नहीं लगाना है। दोस्तों, जीरा आलू बन के रेडी हो चुके हैं। आप जीरा आलू को रोटी के साथ, नान के साथ, पराठा के साथ, पूरी के साथ सर्व कर सकते हो। बहुत ही कम मेहनत में चटपटे चटाकेदार जीरा आलू बनके रेडी हो चुके हैं। दोस्तों, मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा।